अस्सलाम वालेकुम, ये इस घर की ऑनर है। सॉरी मैंने आपका नाम नहीं पूछा। सफिया, सफिया, सफिया मेरी बहन का नाम दी है और मेरा उनसे बहुत प्यार है। तो मैं इस घर में जब शूट करती हूँ, बल्कि घुमा के दिखाओ बेटा, घुमा कर दिखाओ सारा घर, फिर हम आगे बात करते हैं, पहले पूरा घर घुमा कर दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जाकर मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पे शूट करने आई थी तो एक दिन हम ना लॉन में बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, जाहिर है सर्दियों में हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। पहले नहीं आई थी मैं, काफी दिनों से आपके घर में शूट कर रही हूँ। मैं नहीं थी इधर ना। हाँ, आप इधर नहीं थी। तो मैं ना एक दिन शूट कर रही थी, मैं झूले पे बैठी थी, झूला दिखाओ, मैं ना यहाँ पे झूला झूल रही थी। तो मैंने ना अपने डीओपी को बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे फ्रेम ही फ्रेम है, मैं कहीं पे भी जाके टिकटॉक बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं इधर जा रही, यार कितने दिल से ये घर बनाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे इनका गायबाना तारुफ करवाया कि ये लॉन प्रॉपर इस घर की जो लेडी है, जो ऑनर है, जिसका ये घर है, वो खुद एक एक चीज को देखती है, शूट वालों को टोकरी लगाती, यहाँ नहीं बैठना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। वो इतनी हम्बल है, आलिया आप मिलेंगे, वो इतनी सिंपल है। मतलब मेरे डीओपी ने, हमारे जो कैमरा मैन थे सनी भाई, उन्होंने इतनी तारीफें इनकी कर दी। और मैंने कहा यार बड़ी बात है, मतलब वरना इतने बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों को मैंने बहुत ही कम इतना अच्छा देखा है। तो इनसे मैं मिली हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप इनके साथ भी बनाया जाए कि देखे देखिए ऐसे भी लोग, इतने सादा लोग भी हैं कि इतने बड़े बड़े घरों में रहना, इतनी गार्डनिंग। अच्छा, इनके घर में 20 बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारे क्या क्या लगा हुआ है आपके घर, चलो बताएं फ्रूट्स कौन कौन से लगे हुए हैं। फ्रूट तो कम में लगे हुए, सब्जियां थी पहले, अब नहीं। फ्रूट्स तो काफी लगे हुए हैं आप लोगों के, क्या क्या लगा हुआ है? ये बादाम है, बादाम है, ये चीकू है। अच्छा, और ये आगे अनार है, वो शरीफा है, वो शरीफा है, जामुन है, जामुन है जी, और नींबू का पौधा है, नींबू का पौधा है। और सब्जियां कौन कौन सी है? सब्जियां अभी तो ये टमाटर है। अच्छा, और छोटी वाली मिर्च है। अच्छा, शिमला मिर्च है। आई लव गार्डनिंग। आप लोगों को पता है ना अपने घर के गमलों में, हमारे पास क्योंकि गार्डन नहीं है, हमारे घर पे टेरिस है, तो हम टेरिस पे ही मूली लगी हुई है। अरे वाह, ये शिमला मिर्च है, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मिर्च लगी हुई है, ये टमाटर लगे हुए हैं, ये क्या है मैम? ये मूली। अच्छा, ये मूली लगी हुई है, इसके अंदर मूली होगी? पुदीना है, ये पुदीना। ओ वाओ, वाजीवा वाजीवा, फ्रेश पुदीना, और ये मूली इसके अंदर लगी हुई है जी। नीचे बनेगी ना, अभी अभी बनेगी, अभी छोटी है। अच्छा 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 अच्छा, ये इधर सलाद पत्ता है, दिखाइए, सलाद पत्ता भी है इधर। आपको पता है मुझे इतना गार्डनिंग का शौक, ये धनिया है और सलाद पत्ता। अच्छा, वाह 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 वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता है आपको जी? अच्छा, आपने आज मुझे बताया तो मुझे पता चला। मतलब ये भी देखो धनिया, ये वाला भी, और वो भी धनिया है, ये भी धनिया है। सही बात है। चले जी, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब करे। आप लोगों ने अपने घर को बहुत प्यारे, बहुत दिल से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, देखने से पता चल रहा है इसकी लुक एंड फील, गार्डनिंग चीजें, छोटे छोटे पौधों में बहुत सारा इन्होंने, उसको क्या बोलते हैं ये मुझे जरा बताएंगे आप? ये मैं अक्सर देखती रहती हूँ, इन पौधों का मुझे नाम नहीं आता, ये क्या? कैक्टस जी। ये कैक्टस है जी। ओ यस, हाँ, ये देखिए इनकी हर वैरायटी का है, ये देखिए कितनी वैरायटी है, हर वैरायटी का है जी। वाह वाह वाह, ये आप लोगों ने खुद लगाए हैं यहाँ पे, बाजार से लिए? बिल्कुल नहीं, एक दो लिए थे। अच्छा, फिर आगे उनके बेबी निकलते रहे हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ाती रही। अच्छा, उनके बेबी से बेबी बनते रहे? बिल्कुल। अरे वाह, ये सारे बेबी से बेबी बने हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप घर में शौक बहुत है गार्डनिंग का ना, वो दिख रहे हैं, वो आप नहीं भी बताया तो हमें दिख रहे हैं। आपने क्या, इधर आए सर, आप लोगों को एक और चीज भी दिखा। सॉरी मैं आपकी इजाजत के बगैर अपना पूरा घर दिखाई जा रहा है। वैसे तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियो में इनका घर देखा है, आप लोगों को एक और चीज भी दिखाते हैं जो मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी। अलग ये वाला हॉट स्टाइल, ये हार्ट स्टाइल मुझे इतना खूबसूरत लगा है, ये बहुत खूबसूरत व्यू आता है। और स्पेशली ये जो आप लोगों ने दरख्तों के ऊपर ये लगाए हुए हैं ना, ये तो बहुत ही प्यारे हैं जी। बिल्कुल, और आप ये खुद लगाती हैं सारे सीजन के जितने भी पौधे होते हैं? लेट मैं आती हूँ, लगाता दोबारा जो मेरा ये बच्चा। अच्छा, और बाकी काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि कटिंग ये करता है
और पौधे लगाना आगे उसकी केयर करनी, ये मैं करती हूँ। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब माली पे काम होता है ना तो दूसरे दिन पौधा जो है ना खत्म हो जाता है। अच्छा, ये भी होता है? ये ऐसा ही होता है। अच्छा, सही 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 सही। चले, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपके घर में अल्लाह ताला और बरकत लेके आए। और आपके ये ग्रास से पता चल रहा है बिल्कुल कितनी मेहनत है। जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे डीओपी इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ग्रास से बात शुरू हुई थी वो। अभी एक महीना में, दो महीने अमेरिका रह गया, बिल्कुल खत्म हुई भी। अच्छा, आप अमेरिका गई थी? जी, बिल्कुल खत्म हुई थी। अच्छा, क्योंकि पीछे इतना नहीं ख्याल करते ना, बस बाजी नहीं है घर में तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, घर तो साफ था आपका? जी, करते नहीं करते हैं बंदे, सब अच्छे वैसे। चले जी, मेरे साथ लगना पड़ता है। देखें, घर के साथ ही सारी बाहर है, मालकों के साथ ही सारी बाहर है। वरना तो आप नौकरों पे छोड़ दें, मालियों पे छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो चीजों में रह जाती है, सब कसर रह जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बार बार तारीफ करते दिल ही भर रहा मेरा। तो ख्याल रखिए अपना, और इसी तरह आपका घर, आपका बगीचा ऐसे ही चहकता रहे हमेशा। मुझे गार्डन बहुत पसंद है, मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में लोगों को बोलती होती हूँ कि अल्लाह ताला जब मुझे बड़ा घर देगा और मेरे पास गार्डन होगा ना, मैं सारी सब्जियां लगाऊंगी। हाँ, मैं बकरियां रखूंगी, खुद मैं मुर्गियां रखूंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है सब्जियों का ना लगाने का। अच्छा, लेकिन वो ही होता है कि मेरे दो चार महीने इधर होते हैं, दो चार महीने बच्चे उधर है ना। अच्छा, फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ, जब लगा के जाती हूँ वापस आती हूँ तब मेरे माली ने सारी मार दी ही होती है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि जब आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ डॉक्टर। मैंने सुना था, मैंने इसलिए पहले नहीं बताया, मैंने सोचा मैं इनसे डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। इनके मियाँ डॉक्टर हैं और ये एक डॉक्टर का घर है, और किनका घर है ये भी बता दीजिए। डॉक्टर बशीर का, डॉक्टर बशीर का घर है ये, और बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, ओके जी, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे आपकी एक और बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ ना। जी बिल्कुल, लग रहा है। कहते हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। कहते हैं पॉजिटिव सोल पॉजिटिव एनर्जी को ना वो करता है, कैच करता है ना। जी बेटा, इधर आ लो। तो वो ना क्योंकि लाइट प्रॉपर इधर है ना, तो मैंने इसलिए बोला है वो। बिल्कुल, जब मैं आई, मैंने इनसे बात करना शुरू की ना, तो ये मतलब बैठी भी रह सकती थी, लेकिन ये नहीं बैठी, ये मेरे साथ ही उठ के खड़ी होगी, जहां से मुझे लगा कि शी इज प्योर, यू नो। क्योंकि मेरे साथ कोई बात कर रहा और मैं बैठी हुई ना, तो मैं कभी बैठ ही नहीं सकती कि वो मुड़ी मेरे साथ बात करे और चला जाए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। देखिए, कुछ अदब अदाब होते हैं, तो उन चीजों से अगले बंदे का पता चलता है कि ये कितना नस्ली असली, या फिर उसमें अल्लाह ताला का खौफ कितना है, उसको जिंदगी गुजारने के तरीके कितने पता है, या उसको मैनर्स कितने पता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसको अगले इंसान की अहमियत कितनी है, इंसानियत की, कि वो उठ के बात करना शुरू हो जाए। तो मुझे आपका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप का अपना ये जेस्चर अपने फैंस के साथ शेयर करूं। ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हम गपशप कर रहे हैं बिल्कुल। अभी मेरे सीन का गैप है, तो मैं वहाँ बैठूंगी। दिखाया ना, बैठते हैं, आपने मुझे कहना था ना, क्योंकि ये घर मेरा दिखाया जा रहा है, आप बोलेंगी ना बिल्कुल। तो ये घर मुझे इतना अपना अपना लग रहा है, मैं करी से रहे, मैं आपको ये दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ। बैठे ना आप खड़ी क्यों? थैंक यू सो मच। आपने कुछ चाय मंगवाए, कुछ पानी, ठंडा का गिलास। ये इतना इस घर में काम कर लिया हम लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हम जिस भी घर में काम करते हैं ना, हम घर को जब तक अपना नहीं ना समझते, हम वहाँ काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो मैं जैसे सभा का कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं जब तक अपने आप को सभा नहीं ना समझूंगी, मैं उस तरह से एक्ट नहीं कर सकती, मैं बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ जैसे सभा है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी होता है चीजों को अडॉप्ट कर लेना। सो आई एम श्योर आप लोग भी मेरी बातों को समझे होंगे। दिल नहीं चाह रहा बाय बाय करने को, लेकिन ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि इसके तीन चार टुकड़े टुकड़े चौक चौक करके लगाना पड़ेगा। चलिए जी, आप खुदा हाफिज़।